Hey guys, this is Kirat and welcome back to another video. तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ टूर उडुपी की फेमस कृष्णा मठ का और आपको बताने वाला हूँ इसी टेम्पल से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी. इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इंडिया के ग्रेटेस्ट सेंट्स को मिली कृष्णा जी की एक प्रतिमा और कैसे वो प्रतिमा दूर द्वारका नॉर्थ इंडिया में आई इधर एक छोटे से टाउन में साउथ इंडिया के जो लाई करता है अरेबियन सी पे जिसका नाम है उडुपी. ये स्टोरी ली गई है श्री माधवाचार्य जी की अपनी बायोग्राफी से. तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताता हूँ ये अमेजिंग स्टोरी. श्री माधवाचार्य चाहते थे कि उडुपी में लॉर्ड कृष्णा का एक मंदिर हो जहाँ पर वो और उनके डिवोटीज कृष्णा जी की पूजा कर सकें. और कोइंसिडेंटली या नॉट कोइंसिडेंटली उसी वक्त द्वारका जो कि एक मेन प्लेस थी कृष्णा जी के पास्ट टाइम्स की अर्थ पे 5000 साल पहले एक प्रतिमा आई. ये प्रतिमा प्रकट तो हुई लेकिन एक काफ़ी अनयूजुअल वे में. ये प्रतिमा कवर थी बहुत सारे क्ले में. इसी वजह से किसी को पता नहीं था कि उस बड़े से क्ले के टुकड़े में एक प्रतिमा है. पर क्योंकि वो क्ले का टुकड़ा काफ़ी हैवी था तो कुछ सेलर ने उनको एक शिप में लोड कर दिया. वो शिप साउथ इंडिया की तरफ अपना रास्ता तय कर ही रही थी जब वो शिप पहुंची उडुपी तक और उडुपी की कोस्ट पे एक सैंड बैंक पर वो शिप अटक गई. और उसी पल कोइंसिडेंटली या नॉट सो कोइंसिडेंटली श्रीला माधवाचार्य जो कि व्यस्त थे एक 12 पार्ट पोएम लिखने में लॉर्ड कृष्णा के बारे में वो गए थे इसी किनारे पर नहाने. वो गए तो नहाने थे पर कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद अपने हाथों से उस प्रतिमा को रिसीव करने गए थे. श्रीला माधवाचार्य जैसे ही उधर पहुंचे उनका ध्यान गया उन सेलर्स पर जो कि अपनी शिप में थे और उनकी शिप अटकी हुई थी. फिर उन्होंने अपना एक कपड़ा उनकी डायरेक्शन में वेव किया. माधवाचार्य ने फिर उस शिप को सेफ्टी की तरफ गाइड किया. उनके इस जेस्चर से खुश होते ही सेलर्स ने अपनी एप्रिसिएशन उनको दिखाने के लिए उनको कहा कि वो कुछ भी ले सकते हैं उनकी शिप के सामान में से. जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा माधवाचार्य ने उस हैवी लंप ऑफ क्ले को चुना जिसमें वो प्रतिमा थी. माधवाचार्य वापस जा ही रहे थे अपने डिसिपल अटेंडेंस के साथ उस क्ले के टुकड़े को लेकर जब बीच से एक शॉर्ट डिस्टेंस पहले वो क्ले का टुकड़ा दो हिस्सों में टूट गया. यही वो पल था जब वो लॉर्ड बालाकृष्णा की प्रतिमा जिसको देखने आज हजारों लोग आते हैं पूरे इंडिया से उडुपी इस कृष्णा मठ में उसने अपने आप को रिवील किया श्री माधवाचार्य को. जब वो प्रतिमा गिर गई थी तो 30 माधवाचार्य जी के डिसिपल्स ने उसको उठाने की कोशिश की पर वो उसको जरा सा भी हिला नहीं पाए. और फिर माधवाचार्य जी ने जब खुद उस प्रतिमा को उठाने का एफर्ट लिया तो वो आसानी से उसको उठा पाए. श्री माधवाचार्य फिर 4 मील का रास्ता तय करते हुए उस प्रतिमा को वापस उडुपी लेकर आए. वापस रास्ते पे आते हुए उन्होंने उस पोएम के 7 पार्ट्स कंप्लीट किए जो कि उनकी अधूरी रह गई थी और इसको लाउडली रिसाइट किया. अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर ये वाटर बॉडी देख रहे हैं इसका नाम है माधव सरोवरा. जब माधवाचार्य जी उस प्रतिमा को वापस उडुपी लेकर आए थे तो उन्होंने इसी वाटर बॉडी में उस प्रतिमा को नहलाया था. नहलाने के बाद उन्होंने उस प्रतिमा का वास किया इस फेमस श्री कृष्णा मठ में. श्रीला माधवाचार्य जी ने बहुत रिग्रस स्टैंडर्ड सेट किए श्री कृष्णा जी की पूजा करने के लिए. जब वो पर्सनली उडुपी में होते थे तो वो खुद 13 डेली वर्शिप सेरेमनीज परफॉर्म करते थे कृष्णा जी के लिए. इस दुनिया से जाने से पहले माधवाचार्य ने 8 अपने सन्यासियों को
इंचार्ज बनाया श्री कृष्णा जी की वर्शिप का इस मठ में। आज भी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूजा की, ये रोटेट होती है 2 साल के पीरियड में। इस 2 साल के पीरियड का नाम है पराया। ये रोटेट होती है 8 सन्यासियों में जो कि डिसिपल सक्सेशन में हैं, जो कि ओरिजिनल 8 सन्यासी थे उनके। जैसे श्रीला माधवाचार्य पर्सनली 13 पूजा करते थे प्रतिमा के लिए, वैसे ही हर सन्यासी अपने पराया को के दौरान 13 रिचुअल परफॉर्म करता है हर रोज प्रतिमा के लिए। फिर हर सन्यासी वापस जाता है अपनी ओन मठ में, जहाँ पर और प्रतिमाएं हैं जो माधवाचार्य जी ने दी थी उन ओरिजिनल 8 सन्यासियों को जाने से पहले, तो उनकी पूजा करी जाती है। आज आप इधर कृष्णा मठ में आकर इस फेमस प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रतिमा के दर्शन आप एक विंडो के थ्रू कर सकते हैं जो कि सिल्वर पे कार्व्ड है, और मैंने पर्सनली 2-3 बार इस प्रतिमा के दर्शन किए हैं, और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप उडुपी एरिया में आए हैं तो इस टेंपल को विज़िट करें बिना ना जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।